तो मेरा आप सबके लिए एक प्रश्न है, आप में से कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। कितने लोगों को विश्वास है कि हम ऑलरेडी खुश हैं, हमें कोई सेमिनार वेमिनार नहीं चाहिए? ठीक है, कितने विश्वास के साथ आए हैं कि जी हम ऑलरेडी खुश हैं? ओके, कितने लोग कंफ्यूज हैं? कितने लोग कंफ्यूज हैं कि वो कंफ्यूज हैं? ओके, थैंक यू। सो जनरली व्हाट हैपेंस, हम अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के अराउंड वर्क करते हैं, वो है हैप्पीनेस। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मानते हैं कि अगर ये मैंने पा ली ना, अगर ये मुझे मिल गई, तो देन आई विल बी हैप्पी फॉर एवर। तो मैं आपसे इनपुट्स लेना चाहूँगी, जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पाने के बाद यू विल बी हैप्पी, फिर चाहे तूफान आए आंधी आए, पर वो चीज़ आपको हमेशा खुश रखेगी। एनीबॉडी? यस माता जी। प्रभु जी ये स्पॉटलाइट हटा दीजिए। हाँ यस माता जी प्लीज। कृष्ण कौन है? अच्छा कृष्ण, आपको कृष्ण चाहिए, क्या बात क्या बात, वंडरफुल। और कोई बताना चाहेगा? एक्चुअली अब्दुल कलाम ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि जो मतलब जो जीनियस जीनियस पैदा होते हैं ना, वो एक्चुअली क्लासरूम या ऑडिटोरियम की लास्ट सीट पर बैठे रहते हैं। तो पीछे से कोई बताना चाहेगा? हाँ माता जी प्लीज़, इनको माइक दीजिए। भाग कर जाइए, भाग मिल्खा भाग। मम्मा पापा। वाओ वेरी नाइस। हाँ पेरेंट्स, पेरेंट्स साथ में हैं तो खुशियाँ हैं। और कोई पीछे पीछे भक्त लोग जो एकदम ऋषि मुनि की तरह विराजमान है, कृपया कुछ बोलें इधर से, लेफ्ट राइट सेंटर। बोलिए बोलिए माता जी बोलिए, आप ही का माइक है। सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन, ओके, सो यू आर लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन इन ऑर्डर टू रिमेन हैप्पी। थैंक यू। नेक्स्ट। आप डरिए मत, देखिए औरतों में ना या फिर स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चिल्ला दें तो दीवारें फाड़ दें, राइट? तो अभी तो आपको मौका मिला है, बोलिए, दिल खोल के बोलिए प्लीज। उनको पीछे दीजिए आप। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? प्लीज गिव द डेफिनेशन। व्हाट इज योर डेफिनेशन फॉर हैप्पीनेस? बोलिए माता जी। भक्ति सुख ऐसा सुख है जी, उसमें सभी सुख सम्मिलित हो जाते हैं। वाह वाह माता जी, उसके बाद कोई सुख की चाह ही नहीं रहती। जय हो जय हो। ठीक है, एनीबॉडी? और थैंक यू माता जी, थैंक यू। आप यूथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? यूथ इतना शांत क्यों है? कॉलेजेस में हम जाते हैं, जान डाल देते हैं, टीचर को भगाने की क्षमता है हमारे पास, तो हम अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन? यूथ स्ट्रेस्ड आउट है। यूथ यूथ बोलता है, यूथ बोलो, यहाँ लेफ्ट साइड से कोई बोलो, आपकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सारे सेजेस हैं जो आपको सेमिनार में बताएंगे, आप कहेंगे आप ही बोलिए माता जी आज तो। सच्चाई, सच्चाई के पथ पर चलेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। और कोई? मुझे लग रहा है नीचे उतर के आना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बुलवाना है। हाँ जी बोलिए। वैष्णव संघ, सारे भक्त आए हुए हैं यहाँ पे एक्चुअली ना। और किसी को पैसा नहीं चाहिए, किसी को नेम फेम, सारे यहाँ साधु महात्मा उपस्थित हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सेमिनार दे क्यों रही हूँ, सब ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं। हाँ जी बताइए। हाँ आप जोर से बोलिए। ओके, तो आफ्टर सेटलिंग इन अब्रॉड US लाइफ विल बी हैप्पी हैप्पी। हाँ ठीक है, तो ओ माय गॉड, वृंदावन में धाम, वृंदावन में इनको निवास चाहिए ना। कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? उर्मिला माता जी पूछ रही हैं। हरी बोल हरी बोल, वंडरफुल।
ठीक है, तो बाहर हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वृंदावन ट्रिप आप लोगों के लिए अलग से रखी जाएगी, तो प्लीज़ अपना नाम वहाँ पर देना ना भूलें. तो वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, बट जैसे मुझे इनपुट्स मिले हैं मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हैं. तो लेट्स प्रोसीड. मैं अपना बताती हूँ, मैं ज़्यादा यू नो भौतिकतावादी हूँ, आई एम वेरी पैशनेट काइंड ऑफ. तो सी, पहली चीज़ है पैसा. तो इन ऑर्डर टू बाय पैकेट ऑफ हनी वी नीड मनी. दैट्स वाई वी से दैट मनी इज स्वीटर देन हनी. यस, तो हम पैसा कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. क्यों? ताकि हम खुश हो सकें. इन ऑर्डर टू रिमेन हैप्पी वी वॉन्ट मनी. नेक्स्ट ऐसे समझ जाना. कंपैरिजन, तो गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा आप कॉलेज में करते होंगे ना गॉसिप्स, और पता चल जाता है जो ग्रुप होता है एक सेंटर में होती है, दो साइड में होते हैं जो उसको हवा देते रहते हैं. तो वो बताती है सी यू नो मेरे पास बहुत पैसा है. अच्छा, कितना? फिलहाल तो 200 है पर बैंक अकाउंट में काफ़ी है. ओ तो सी आई एम बेटर देन हर, है ना? तो कहते हैं हाँ हाँ बहन, बहुत 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 यू नो यू आर वेरी नाइस. तो वो क्या करती है, उन पर कुछ चिल्लड़ फेंक देती है कि तुमने मेरे को खुश किया, राइट? तो उनको खुश कर देती है वो. तो बाय डूइंग कंपैरिजन, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, और बैक बाइटिंग करने में तो काफ़ी निंदा रस यू नो आनंद आता है. हम आम रस पीना इतना पसंद नहीं करते जितना हम निंदा रस पीना पसंद करते हैं, राइट? सो वी डू कंपैरिजन फॉर द पर्पस सो दैट वी कैन बी हैप्पी. सुपीरियर कॉन्फ्लिक्ट्स आता है. या नेक्स्ट, बिग हाउस. एक बार एक एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि आप 6 BHK घर खरीद और अपने पड़ोसी के आँखों में जेलस देखकर खुश होइए. कितनी थर्ड क्लास हैप्पीनेस है ये, ना? कि आप अपनी खुशी के लिए मत खरीदो घर कि आपके परिवार का पालन पोषण होगा, आप अपने पड़ोसी की आंखों में जलन देख के खुश होना. तो लोग बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं, बहुत बड़े बड़े, और फिर उस बड़े घर में रहने वाली एक ही भटकती आत्मा होती है वो इंसान. तो हर रूम में जाके अटेंडेंस देता है, आई एम हेयर मैन. नेक्स्ट, तो वी परचेज बिग हाउस फॉर ओनली वन पर्पज. वाई? टू बी हैप्पी. यस, रिलेशनशिप्स. ऐसा बताया जाता है वी ऑल्सो फील कि वी वॉन्ट टू लव समवन. हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, या और कोई हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे. तो डेफिनेटली कुछ लोग इस प्रोसेस में लगे भी होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, या तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जब हमें बोला जाता है कि ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल है. तो सोशल एनिमल है तो सोशलाइजेशन करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है. और इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जहाँ जाते हैं ना, वेयर एवर दे गो दे ब्रिंग हैप्पीनेस. वो जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ ले आते हैं, आसपास का सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो खुशियाँ लाते हैं. वेन एवर दे गो दे ब्रिंग हैप्पीनेस. या सो वी मेक रिलेशनशिप, वी डेवलप कनेक्टिविटी विद पीपल इन ऑर्डर टू बी हैप्पी. आवाज़ पता नहीं यूथ नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी थके बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं ना. हैप्पी, काफ़ी कष्ट हमारे जीवन में माता जी, बोझ देखिए हमारे कंधों पे, एग्जाम्स का, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत है. ज़ोर से बोलिए, वंडरफुल, क्या जान है आप लोगों में. नेक्स्ट, एजुकेशन. कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं मसल्स बनाने के लिए, कुछ लोग ब्रेन पे एक्सरसाइज करते हैं यू नो थ्रू एजुकेशन. और एजुकेशन पाने के लिए हम एजुकेशन क्यों लेने जाते हैं कि गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, हमें ज्ञान दे दीजिए. कितने लोग सिर्फ ज्ञान के लिए जाते हैं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान ज्ञान, मुझे बस ज्ञान चाहिए. कितने लोग हैं आप ज्ञान के लिए जाते हैं? क्या सब्जेक्ट है आपका? कंप्यूटर साइंस. अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस में क्या
प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा. तो जावा में आपको सिर्फ ज्ञान के लिए जा रहे हैं आप कि बस मुझे जावा पढ़ा दीजिए आप ताकि मैं ज्ञानी बन जाऊँ? पैसा वैसा नौकरी वोकरी तो नहीं चाहिए होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आप टीचिंग जावा पढ़ा के कर रही हैं? अच्छा, तो अच्छा अच्छा, और जावा आप ज्ञान के लिए ले रही हैं? ओके, तो कुछ हैं एक्सेप्शंस होते हैं राइट, पर आधे से 99.99% थैंक यू लोग जो हैं वो सिर्फ पापी पेट के लिए जाते हैं राइट. पापी पेट का सवाल है सर, MBA तो हमें पसंद भी नहीं, बट स्टिल यू नो पैसा है तो इसीलिए कर लेते हैं. तो एजुकेशन भी हमारा एक ही पर्पज़ के लिए है, पापी पेट का सवाल है और पेट जो है भरता नहीं है तो सोने नहीं देता है. तो क्या करेंगे हम? बड़ी बड़ी एजुकेशन लेंगे, डिग्रीज लेंगे, ओनली फॉर वन पर्पज. व्हाट इज दैट? वेल डन. नेक्स्ट, सो आप में से कौन प्रिंसेस डायना को जानते हैं? अरे वाह, आपके रिश्तेदार हैं. अच्छा ठीक है, तो माय पॉइंट इज कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में जितनी भी चीज़ें डिस्कस की वो सारी चीज़ें प्रिंसेस डायना के पास कदमों पर थी. शी वॉज ब्यूटिफुल, एज यू कैन सी शी वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल. शी वॉज डर्टी रिच, उनके पास पैसा ऐसे था जैसे हाथों के मैल के जैसा राइट, ऐसे ऐसे निकलता था बाहर. और इनके रिलेशनशिप मतलब कनेक्टिविटी ऐसे लोगों से जिनके साथ हम अपना कनेक्शन बनाना चाहे. और साथ ही साथ बहुत एक बढ़िया चीज़ थी इनके बारे में दैट शी वॉज अ फिलेंथ्रोफिस्ट, मतलब ये लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ उधर वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती थी राइट. बट इन एन इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू लिया गया, ये सब चीज़ें होने के बाद भी जिसके लिए हम तरसते हैं, इन्होंने कहा कि इन माई नेक्स्ट लाइफ आई वॉन्ट टू टेक बर्थ इन अ पुअर फैमिली. वाई? इन ऑर्डर टू बी हैप्पी. एक ही पर्पस था, खुश रहने के लिए. ये सब होते हुए भी हम बिल गेट्स बनना चाहते हैं पर बिल गेट्स कॉमन मैन बनना चाहता है. हम प्रिंसेस डायना जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्रिंसेस डायना हमारे जैसी ज़िंदगी नहीं चाहते हैं. तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, दूसरे तरफ की घास बहुत हरी नज़र आती है राइट. हमें लगता है हमारी इधर तो घास ही नहीं उग रही है, कितना पानी डाल रहे हैं हम, कोई घास नहीं उग रही, सामने वाले की घास ज़्यादा हरी है. तो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, वी हैव डिफरेंट गोल्स, एजुकेशन, पावर, नेम, फेम, ब्यूटी, और वी हैव सेम गोल. व्हाट डू यू थिंक? सेम गोल, डिफरेंट गोल, सेम गोल, डिफरेंट गोल. बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज़ निकालिए, खोलिए अपना मुंह. डिफरेंट गोल्स, कौन कौन मानता है डिफरेंट गोल्स? हाथ ऊपर उठाइए, आपको प्रसाद नहीं मिला ऐसा लग रहा है. माता जी, डिफरेंट गोल, सेम गोल. हम सबका एक ही लक्ष्य है, कोई डिफरेंट गोल नहीं है, एक ही लक्ष्य है. एक ही लक्ष्य, दो लोगों का एक ही लक्ष्य है. बेसिकली देखा जाए हमारे प्रोसेस अलग अलग होते हैं.